हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मैं जल्दी उठाऊँ, आज मैं उठाऊँ 9 बजे, मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी उठने के फ़ायदे आज देखते हैं क्या क्या होते हैं। वैसे मैं लेट उठता हूँ और देखते हैं आज का वेदर कैसा है। और वेदर फ़िलहाल तुम लोग देख सकते हो काफ़ी सुहाना मौसम है आज का, धूप लगी हुई है प्यारी सी और अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, अच्छा सा मौसम है एकदम यहाँ पर। और अब करते हैं आज के दिन को स्टार्ट। आप सभी को भी गुड मॉर्निंग और आपका आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से जाए। तो अभी चलते हैं, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ पहले तो, एंड फिर कुछ खाएंगे, अपना डेली रूटीन करेंगे स्टार्ट। एंड आज भी हमारे पास बहुत सारे काम है, काम वाम भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होगी आज के व्लॉग में, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो देखते रहो। चलो गाइस, तो गाइज अभी फाइनली मैं नहा के एकदम रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो तुम लोग, एकदम मैंने आज पहना है पूरा एडिडास, एडिडास देखो नीचे लोअर भी और पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से तैयार हो चुका हूँ। अभी जाना है अपने को सनी को स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक है। चलो सनी को देख लेते, भाई मैं तो एकदम तैयार हो गया, सनी तैयार हुआ या नहीं इसको देख ले। सनी कहाँ पर है भाई, तू हो गया भाई तैयार, हो गया भाई, चल जल्दी चले, अभी निकलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं और सनी को छोड़ना है भाई स्कूल आज है, सनी भाई स्कूल जाना है। और भाई मेरे को लग रहा है सनी, हाँ सामने बहुत सारे बच्चे हो, जैसे मैं उतरूं समझ रहे हैं ना कैसे टोरा हो जाएगा। मस्टैंग में जा रहे गाइस आज हम लोग और देखते हैं रिएक्शन भी देखेंगे। और भाई मैं पता दूसरी या तीसरी बार है जब मैं आगे वाली सीट पर बैठूँ ना, मेरे को बिठाता नहीं अपनी सीट पर, मेरे को हमेशा पीछे बैठ डाल देता है। और अब अच्छी बात है स्कूल बस लेट ना हो जाए क्योंकि ट्रैफिक होता है इधर बहुत ज्यादा, और ऊपर से भाई अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे बाहर, तो देखते हैं। अभी रिएक्शन भी बहुत तगड़े आ रहे हैं क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल, मतलब सब स्कूल जा रहे हैं और तो वही है। और तेरे को कैसा फील हो रहा है पहली बार में इसको मस्टैंग में स्कूल छोड़ रहा हूँ भाई, पहली बार तो भाई देखते कैसा फील हो रहा है तुझे सच भाई ना? मेरे को बिल्कुल अजीब सा लग रहा है भाई, देखते हैं क्या होने वाला। मेरे को तो ये लग रहा है कि बस क्लास बच्चे बच्चे सोच रहे हैं मेरी क्लास के बच्चे टॉप पे हो रहा है गाइस, थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा समझ रहे हो, अपनी वो बढ़ाना चाहता है, इज्जत बढ़ेगी, इज्जत। चलो ठीक है, देखते अभी क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग ने सनी को तो स्कूल छोड़ दिया है, एंड थोड़ा सा सनी थोड़ा बहुत लेट हो गया था, पता नहीं है वो तो जब वो घर आएगा तभी पता चलेगा कि लेट हुआ था कि नहीं हुआ था। अब हम लोग जा रहे हैं घर, एंड घर जाते हैं और बहुत सारे काम है अपने को करने के लिए, और वीडियो भी बनानी है मेन चैनल की, एंड और भी काफ़ी सारे काम करने हैं, ठीक है। और हाँ, नई गाड़ी का सीन मैंने तुम लोगों को कल बताया था, नई गाड़ी लेनी है, तो नई गाड़ी का सीन अभी बन रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मस्टैंग को मत बेचो, मस्टैंग को मत बेचो, फर्स्ट कार है। तो हम लोग सोच रहे हैं यार मस्टैंग को नहीं बेचेंगे क्योंकि यार हाँ सही बात है, फर्स्ट कार है और ऊपर से यार मस्टैंग प्यारी है यार, तो मस्टैंग को भी बेचेंगे नहीं। बट हाँ गाड़ी लेनी है नहीं, पर देखते हैं अभी एक डील के पैसे अटके हुए, अगर वो टाइम पे आ जाते हैं। लेनी मुझे बर्थडे तक ही थी यार, बर्थडे तक ही लेनी है मुझे, 20 अप्रैल को बर्थडे, तो सोच रहा हूँ बर्थडे तक ले लूँ। बट एक दिक्कत है यार कि मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर वो चलेगी कि नहीं, उसका उसकी मतलब बाजार में तो जैसे यहाँ पर तो चल जाएगी, बट जो मेरा घर है ना वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई में जाके, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं ना, तो इधर उधर आपकी साइड होगी नहीं चढ़ाई मेरे को नहीं पता, बट इधर चढ़ाई ऐसे ऐसे होती है, तो उधर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उस गाड़ी को मतलब ऊपर चढ़ाने में। क्यों, क्या बोलते हो लकी भाई? होगी भाई शायद, हो सकती है, लेकिन उसको बहुत धीरे धीरे और बहुत केयरफुली लेके जाना पड़ेगा, बहुत प्यार से, और 2-3 बंदे चाहिए भाई जो बताए अच्छे से एकदम की कहाँ से क्या, तो वो तो है दिक्कत यार। बट अभी देखते हैं क्या होता है, प्लान तो बन रहा है, नहीं तो एक गाड़ी और है, बट वो गाड़ी देखो सीन ऐसा है, जो गाड़ी मैंने देखी है वो अभी यूज्ड मिल रही है, बट वो काफी यूज्ड भी है, बट वो मतलब करोड़ों में है भाई, वो यूज्ड भी बहुत महंगी है, और कार भी मतलब ब्रांड एकदम बहुत बड़ा, सपनों की गाड़ी है वो, सपनों की कार है उसको, सपनों की कार मेरे को भी नहीं पता भाई उस बारे में तो। हाँ पर क्या है ना कि वो काफी महंगी है, यूज्ड मिल रही है बट फिर भी वो बहुत ज्यादा महंगी है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूज्ड कार, देखो गाइस पता क्या होता है, लग्जरी कार्स और स्पोर्ट्स कार जो महंगी गाड़ियां होती है ना, जो करोड़ों की गाड़ियां होती है मतलब 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, इन गाड़ियों को अगर यूज्ड भी लेना तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है भी, अमीर लोग, वो भी यूज ही लेते, क्योंकि क्या होता है ना शौक, शौक की बात होती है, अब जरा जब तक मन करेगा मैं तब तक चलाऊंगा, जैसे मन भर जाएगा मेरा या मेरे को यूज में नहीं होगी, या फिर यहाँ पर मेरे को लगेगा कि यहाँ चल ही नहीं रही है, मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं उसको बाद में बेच दूंगा। मेरे को मस्टैंग का भी उतना यूज नहीं हो रहा, तो मैं सोच रहा था मस्टैंग बेचूंगा, बट मस्टैंग फर्स्ट कार है उसको बेच नहीं सकते, तो उसके मजे लूंगा, जितना मेरे को टाइम लगेगा उसको यूज करना होगा, मेरे को जितने अपने को वो करना होगा उतना मैं करूंगा, उसके बाद मैं मन करेगा तो मेरा उसको मैं बेच दूंगा जब मेरा मन कर। क्या वाला गाइस पिछले वाला सीन कट यार, कल भी मैंने बहुत कट लाता भाई, अभी भी मेरे मुंह से गाड़ी का नाम निकल गया था, तो ये सीन भी कट हो गया होगा। तो देखो भाई बात ऐसी है कि वो गाड़ी जो है वो लेनी है,
और उसको चलाएंगे, उस पर वीडियोज भी बनाएंगे अच्छी अच्छी और देखेंगे यार मेरे को, क्योंकि मैंने आज तक कभी चलाई नहीं है, देखी नहीं है। और मेरे एरिया की शायद जहाँ मैं रहता हूँ सोलन में फर्स्ट कार होगी शायद वो वाली, यहाँ की हाँ फर्स्ट ही होगी, किसी के पास नहीं है, मैंने तो नहीं देखी आज तक, है ना। तेरे को क्या लगता है, तेरे को ज्यादा पता है, तूने देखी है? नहीं भाई, मैंने भी नहीं देखी यहाँ पर। तो वही है, फर्स्ट कार होगी और काफी मजा आएगा उस कार को चलाने में, तो वही है अभी देखते हैं गाइज। और इसीलिए तो वही लेते हैं। और गाइज जो होते हैं ना लग्जरी गाड़ी, जैसे लग्जरी हो गई या फिर स्पोर्ट्स कार होगी जो करोड़ों की होती है, वो जिनके जो उनके ओनर्स होते हैं ना, वो उनको बहुत ही अच्छे से रखते हैं। अगर मतलब मैंने फॉर्चुनर ली थी कुछ टाइम पहले, नई ली थी हम लोगों ने फॉर्चुनर, तो ठीक है। तो उसका क्या होता है ना, फॉर्चुनर अगर मैं किससे लूंगा तो फॉर्चुनर और ऐसी जो नॉर्मल कार्स होती है, मान लो थार है, तो वो हर बंदा ले सकता है मतलब। पर जो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वो ऐसा सा गलत वे में मत लेके जाना, बट जो स्पोर्ट जो महंगी अब करोड़ों की गाड़ी होगी, करोड़ों की गाड़ी लेगा वो बंदा उसको मेंटेन करके भी रखेगा, क्योंकि जैसे नॉर्मल फॉर्चुनर है, मैं अपनी अपना एग्जांपल देता हूँ, किसी और का नहीं देता, फॉर्चुनर मेरे पास है तो मैं उसको उतना केयर नहीं करता हूँ जितनी केयर मैं मस्टैंग की करता हूँ, जितने आराम से मैं इसको ले जाता हूँ और इसको प्यार से करता हूँ, उतना उसको नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि यार वो मैं वो थोड़ा रफ एंड टफ है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो खराब होती है। लेकिन वही बात करें अगर स्पोर्ट्स कार की, तो स्पोर्ट्स कार को लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। और जब मैंने मस्टैंग भी ली थी तो मस्टैंग भी काफी अच्छे से थी, और वो ये शौक शौक की बात है, शौक पूरा करो उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद मतलब बेच दो वापस, तो वो चीज होती है। तो वही है, अभी लेंगे हम लोग वो कार अच्छी सी। और बाकी यार व्लॉग्स तुम लोग पूरा नहीं देख, मैं देख रहा हूँ लास्ट तीनों व्लॉग जितने भी हमने डाले उस पर वॉच टाइम आई नहीं रहा, आप लोग पूरा व्लॉग देखते ही नहीं हो या पता नहीं स्किप कर देते हो, मेरे को नहीं पता, बट यार पूरा व्लॉग देखा करो यार, दिन भर की मेहनत लगती है यार, दिन भर आपके लिए शूट करते इधर उधर जाते फिर, तो थोड़ा पूरा व्लॉग देखा करो अगर हो सके तो, क्योंकि वही है, तो देख लिया करो यार पूरा व्लॉग, है ना, स्किप मत किया करो यार, थोड़ा पूरा देख के जाया करो यार व्लॉग यार भाई का। चलो मिलते हैं अभी घर में, तभी हम लोग जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे, मैंने आपको कल भी बताया था, तो सब लोग जा रहे हैं, पापा, अमित, सन्नी और लक्की भी है, तो आज गाइस बाल कटवाएंगे और चलते हैं अभी। तो गाइस यही है हमारे एएस आर्मी जो हमें नई गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, ऐसे गरीब हो कैमरा मत ले आया करो मेरे सामने सर। सर नई गाड़ी के पैसे कब तक मिल जाएंगे सर? मिल जाएगी उस टाइम पे, गाड़ी आने दो उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। तो सर गाड़ी के लिए पैसे तो चाहिए ना, तभी तो गाड़ी आएगी अगले बर्थडे पे। यार भाई ऐसा मत करो, सन्नी भाई, सन्नी सर ऑटोग्राफ, सनी सर पिक्चर सर, सनी सर हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो, और मैंने बियर्ड भी ट्रिम करवा दिया अच्छे से एकदम, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, और मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं, हाँ पर ठीक हो गई थी, अजीब सी लग रही थी तो मैंने हटवा दी, और हेयर कुछ इस तरीके से है। और अब हम लोग चलते हैं घर। सनी अपने बाल दिखा भाई, ना खुश हो अपनी कटिंग से भाई, क्यों इसकी अच्छी तो हुई है भाई, क्या अच्छी हुई है भाई, अच्छी नहीं हुई यार, क्या भाई, चलो मेरी तो मेरे को ठीक लग रही है, अभी चलते हैं गाइस घर, एंड भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अब खाना खाएंगे घर पहुँच के जल्दी से। आज के लोग को यहीं पर एंड करता हूँ, और बियर्ड थोड़ी सी अजीब लग रही है कटने के बाद, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है, आप लोगों को तो लग ही रहा होगा, सुबह मेरा लुक कुछ और था, रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ एक बार, देखो सुबह मेरा लुक कुछ और था, अभी कुछ और है, तो वही है, आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे भी एडिट करना है फिर अपलोड करना है, ताकि सुबह आप लोग देख पाओ 7 बजे, और डेली व्लॉग्स आएंगे 7 बजे, तो डेली अब से देखना गाइस, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है वो डेली देखना, और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना इस व्लॉग को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए, और शेयर करो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो, मैं मिलता हूँ कल के व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।